हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष श्रीवास्तव। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो इंग्लिश आपका फर्स्ट पेपर है उसमें आप एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, रिफ्रेंस कॉन्टेस्ट कैसे करेंगे, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये आपकी 8 में 8 नंबर पूरे आपको दिलाएंगे, 6 नंबर 4 नंबर 8 नंबर जो भी आपका आता है पूरे में पूरे नंबर मैं आपको दिलाने की पूरी गारंटी लेता हूँ। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आप इसी तरीके से करिए और आप पूरे में पूरे नंबर आपको इसमें मिलेंगे। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये आपका पैसेज है वो मैंने आपको उठाया इसलिए ताकि आप और भी अच्छे समझें। हु हैथ हिज डॉट डॉट ग्रेड, ये आपका बहुत ही 2017 में पूछा गया था। इसका मैं हेडिंग, और जो सिंपली बच्चे क्या होते हैं रेफरेंस डालते हैं फिर कॉन्टेक्स्ट डालते हैं फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, मैं आपको एक नए तरीके से बताऊंगा जिससे आपके फुल में फुल मार्क्स आ सकें। तो आप डालेंगे सेंट्रल हेडिंग, डालेंगे सेंट्रल हेडिंग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। फिर आप स्टार्टिंग क्या करेंगे, स्टार्टिंग आप ये करेंगे और बेसिकली बच्चे क्या करते हैं दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ये सब नहीं आपको करना है। आपको अगर अच्छे ना मार्क्स लाने तो कुछ अलग करना है, उस अलग करने के लिए मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। आप स्टार्टिंग में लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, दीज नहीं टेकन नहीं सॉरी दीज लाइन्स हैव बीन क्वेटेड फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ कंपोज बाई सर हेनरी वॉर्डन। द पोइट पॉइंट्स आउट ऑफ सम qualities which are essential for a happy life. He is so strong that nothing can touch him. ठीक है, आपका ये reference to the context, एक आप central heading डालेंगे उसके बाद आप ये लिखेंगे और आपका जो context और reference होता है यही main होता है। वैसे मैं आपको explanation भी एक बताऊंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही important। The happy man is above false rumors. He is not influenced by them. If he was to face a position of danger or difficulty, he is protected and guided by his conscience, his mind, his always be a balanced false flattery does not fill him with vanity, and when he is ruined, he is not so sad that he is इन मीन्स मैनी फील्स विक्टोरियस। भैया आपका ये जो दिया है पैसे जिसे मैंने किया नहीं है आप इसे करें। दिस मैन इज डॉट डॉट हैथ ऑल, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बार ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि रिफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपको किस तरह की करना है जिससे आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स फुल में फुल मार्क्स आए। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। और आप नई वीडियो के लिए थोड़ा मैं समय लेना चाहूँगा, फिर आपको एक नई वीडियो भी प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। थैंक यू।